नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया फूड रे आपनको स्वागत। आज मु आपनक पई स्वादिष्ट पकोड़ी तरकारी रेसिपी नहीं के आसी। एही तरकारी खास करके गरम भात सहित खाइबा पई बहुत टेस्टी लागि थाए। जदि आपण भात सहित एही तरकारी खाइबे तेबे आपण गोटे प्लेट जागा रे 2 प्लेट भात आराम से खाइ नेबे। तो चलंतु देरी न करी एही स्वादिष्ट तरकारी बनिया स्टार्ट करिबा। तरकारी बनवाई मुझे किसी पकोड़ी नहीं, आलू और प्याज मिक्स पकोड़ी। आपड़ ये जेकोसी पकोड़ी यूज करेंगे। आउ ए रेसिपीर फुल वीडियो मो आगरू अपलोड करी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि, आपड़ से चेक करेंगे। नहेल तो ऊपर आसवा आई बटन को क्लिक करके भी देखिपारे। आउ बहुत क्रिस्पी होता है, खाइबा को बहुत टेस्ट लगी था। आपड़ या स्नाक्स हिसाब से भी खाईपारे। तो चलते एवं तरकारी बनवा स्टार्ट करवा। तो से प्रथम गोटे कढ़ाई ने गोटे बड़ चामच सोरिष तेल को गरम करे। आपड़ ये रिफाइंड तेल भी यूज करें, किंतु सोरिष तेल रे एई तरकारी बेसी टेस्टी लगी थाए। तेल गरम हो गले तापर इतिरे हाफ टी स्पून जीरा और गोटे तेजपत्र पकेबे। आउ किसी सेकेंड फ्राए करे। तापर इतिरे पियाज ऐड करवा। तो किसी पियाज को पूरा एमती छोट छोट करके काटी नेबे। तापर या फ्राए करेंगे। पियाज को टिके सॉफ्ट हवा पर्यंत फ्राए करेंगे, या बेसी ब्राउन करेंगे। तो ये प्याज भी भल से फ्राई हो जाए। एवं हाफ टी स्पून अदा रसुण पेस्ट ऐड करेंगे। आउ बस हाफ मिनिट फ्राए करेंगे। एवं अल्प टिके पानी ऐड करदे, नहले मसला पोड़ी जीवो। तापर ए सुखिला मसला ऐड करवा। तो हाफ टी स्पून हल्दी गुंड, 1 टी स्पून काश्मीरी लंका गुंड, हाफ टी स्पून जीरा गुंड और हाफ टी स्पून धनिया गुंड ऐड करेंगे। आउ मिक्स करे। एवं अल्प टिके पानी ऐड करेंगे। तापर या मिक्स करके बस गोटे मिनिट या लो फ्लेम में फ्राए करे, जहाद्वारा मसलार कंचा स्मेलटा पड़े जीव। तो ये मसला भी भल से फ्राए हो जाए। एवं टमाटर पेस्ट ऐड करवा। तो मुझे गोटे मीडियम साइज टमाटर को ग्राइंड करदेबे। आउ मिक्स करे। एबे ए मसला को पूरा ड्राए हवा पर्यंत लो मीडियम फ्लेम में फ्राए करेंगे, जहाद्वारा टमाटर कंचा स्मेलटा पड़े जीव। ये आप देखिपे मसला भी पूरा ड्राई हो जाए और भल से फ्राए हो जाए। तो एवं ग्रेवी पानी ऐड करवा। आपन को जेतिकी ग्रेवी दरकार से हिसाब से आपड़ ये पानी कम बेसी करें, किंतु ग्रेवी को बेसी पतला करेंगे। पतला हो गले खाइबा को टेस्टी लगे, से टिके थिक कंसिस्टेंसी रखिए यार। एवं स्वाद अनुसार लुण ऐड करेंगे। आउ मिक्स करके हाई फ्लेम रे ग्रेवी रे गोटे बॉयल आसिया पर्यंत कुक करेंगे। तो ये ग्रेवी रे गोटे बॉयल आसी जाए। तो एवं पकोड़ी ऐड करवा। तो मुझे आलू और प्याजर मिक्स पकोड़ी नहीं, से एक्स्ट्रा आलू ऐड करना। जदि आप अलग किसी पकोड़ी ऐड करेंगे तेज आपड़ी सीझा आलू ऐड करें। तो एवं या मिक्स करपर या कवर करके कुक करवा। एवं या कवर करके मैक्सिमम 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे कुक करेंगे, जहाद्वारा ग्रेवी सहित पकोड़ी भल से कुक हो पार। 2-3 मिनिट पर मुझे कवर खोलि। ये आप देखिपे के भल से फुली जा, ग्रेवी सहित भल से कुक हो जाए। तो एवं किसी कटा धनिया पत्र ऐड करेंगे। तापर गैस को ऑफ करके सर्व करने बाहर करेंगे।